और नया साल होटल इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं रहा है। विदेशी सैलानियों की संख्या में आई कमी ने गोवा जैसे न्यू ईयर डेस्टिनेशन में भी होटल के कमरे खाली रखे हैं। होटल इंडस्ट्री की उम्मीदों के विपरीत इस बार भी नए साल के मौके पर विदेशी पर्यटकों का टोटा रहा। यूरोप में मंदी और रूस में रूबल कमजोर पड़ने से भारत में विदेशी सैलानी काफी कम थे। इस साल कम से कम जो लेजर टूरिस्ट है वो 15 से 20% कम है, पर इस टाइम गोवा में पीक सीजन में भी रूम्स अवेलेबल थे और डिस्काउंट पे अवेलेबल थे। लेकिन इंडस्ट्री के लिए संतोष की बात ये रही कि घरेलू सैलानियों का आना बना रहा। इस बार नए डेस्टिनेशंस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। इस बार नया साल वीकेंड पर पड़ा था और इसलिए लोगों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे वीकेंड गेटवेज को चुना। वीकेंड गेटवेज की बात करें तो जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, इन जगहों पर भी लोगों ने काफी ट्रैवल किया है। हालांकि दक्षिण भारत के पर्यटन पर चेन्नई में आई बाढ़ का असर देखने को मिला और केरल को छोड़कर दक्षिण में कम टूरिस्ट ही आए। सैलानियों ने अपना बजट भी थोड़ा कम किया है। इस बार 5 और 4 स्टार होटल से ज्यादा बजट होटल्स में सैलानियों ने अपनी रुचि दिखाई। रोहन सिंह के साथ इंदु चौधरी, दिल्ली।